नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। दोस्तों हम देखने वाले कि आप किस तरीके से अपने सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस में जो नेटवर्क बैंड से उन्हें लॉक कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा सैमसंग ने नेटवर्क बैंड को लॉक करने का जो फीचर है उसे ब्लॉक कर दिया है पब्लिक एक्सेस के लिए, लेकिन एक नई मेथड आई है जिसके जरिए अब आप अपने सैमसंग के फोन में फिर से नेटवर्क बैंड को लॉक कर पाओगे। सबसे पहले आपको अपने फोन में डेटा को ऑफ करना है और वाईफाई को ऑन करना है। अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और फोन में मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन करके वाईफाई को ऑन कर सकते हो। इसके बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में और इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है सैमसंग टूलकिट, तो इसे कीजिए इंस्टॉल। मीनवाइल आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे होना चाहिए लास्ट में डेवलपर ऑप्शंस। अगर आपके फोन में नहीं है तो आपको अबाउट फोन पे टैप करना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन और बिल नंबर पे आपको यहाँ पे लगातार 7 टाइम्स टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। सेटिंग्स में बैक जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे डेवलपर ऑप्शंस का नया ऑप्शन, तो आपको फिर से प्ले स्टोर को ओपन करना है। ये हो जाएगा डाउनलोड, फिर आपको इसे ओपन करना है। आई एग्री पे टैप कीजिए, अलाउ पे टैप कीजिए, इंस्टॉल पे टैप कीजिए। एक एपीके डाउनलोड होगा, आपको डाउनलोड पे टैप करना है। जब भी डाउनलोड हो जाएगा तब आपको इसे ओपन करना है। ओपन कीजिए, इंस्टॉल पे टैप कीजिए, डन कीजिए, बैक जाइए सैमसंग टूलकिट ऐप में। फिर आपको सेटअप पे टैप करना है, प्ले स्टोर पे टैप कीजिए। शिजुकु नाम का एक ऐप ओपन होगा, मतलब इसे आपको करना है इंस्टॉल। प्ले स्टोर से ही ये होगा इंस्टॉल। इसके बाद बैक जाइए, सेटअप पे टैप कीजिए। फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट वाया वायरलेस डिबगिंग में होकर पेयरिंग पे टैप करना है। नोटिफिकेशन ऑप्शंस पे टैप कीजिए, इसे ऑन कीजिए, बैक जाइए। फिर आपको डेवलपर ऑप्शंस पे टैप करना है और आपको यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग को ऑन करना है, इसे ओपन करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड, इस पर टैप कीजिए। ये कोड आएगा आपको ऊपर में मिलेगा एक पॉपअप, आपको एरो पे टैप करना है, लिखा होगा एंटर पेयरिंग कोड, इस पर टैप कीजिए। और जो कोड है आपको यहाँ पे एंटर करना है 694306, जो भी कोड होगा यहाँ पे आपको एंटर करना है। फिर आपको करना है सेंड पे टैप। इसके बाद बैक जाइए उसी ऐप में, फिर आपको बैक जाना है और यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट, आपको स्टार्ट पे टैप करना है। डेवलपर ऑप्शंस पे टैप कीजिए और ये जो है डिबगिंग, वायरलेस डिबगिंग, आपको इसे ऑफ करके ऑन करना है। बैक जाइए, यहाँ पे होगी एक प्रोसेस, आपको वेट करना है। हो जाने के बाद आपको जो ये है ऑप्शन सैमसंग टूलकिट ऐप का ग्रांट परमिशन, आपको इसे ओपन करना है। ग्रांट परमिशन अलाउ ऑल द टाइम, यहाँ पे लिखा होगा टूलकिट इज नॉट एक्सेलेटेड, हमें करना है एक्सेलेट, तो टैप कीजिए उस पर। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टच डिवाइस, तो आपको यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को टच नहीं करना है। जो भी प्रोसेस हो रही है होने दीजिए, वेट कीजिए, जब तक कि सैमसंग टूलकिट ऐप फिर से ओपन नहीं होता तब तक आपको यहाँ पे अब कुछ भी टच नहीं करना है। ऐसे आपको मिलेंगे ऑप्शंस, ये आता रहेगा स्क्रीन, लेकिन आपको टच नहीं करना है, इसे कंप्लीट होने दीजिए। और आप देखोगे यहाँ पे हो चुका है ये सक्सेसफुल एक्सप्लोइट, सक्सेसफुल रेडी टू यूज, और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो है इनेबल हो चुके हैं। बैंड सिलेक्शन, सर्विस मेनू, इन्फो मेनू, तो आपको करना है ओपन लॉन्च बैंड सिलेक्शन, टैप कीजिए इस पे, तो ये पेज ओपन होगा। आपको 3 बार पे टैप करना है, बैंड सिलेक्शन पे टैप कीजिए। अब यहाँ पे है अलग अलग बैंड्स, आपको जिस बैंड को यूज करना है आपको उस बैंड पे टैप करना है और करना है सिलेक्शन पे टैप। इसके बाद आपके फोन में जो नेटवर्क बैंड है ये लॉक हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने सैमसंग के फोन में फिर से नेटवर्क बैंड को लॉक कर पाओगे। तो अगर आपके फोन में नेटवर्क इश्यू है, आपके फोन में अगर डाउनलोड स्पीड अच्छे से नहीं आ रही है, तो आप बैंड को लॉक करके अपने फोन में नेटवर्क का यूज कर सकते हो। आपको इन दोनों ऐप को रखना है इंस्टॉल अपने फोन में, अगर आप इन्हें करोगे अनइंस्टॉल तो आपके फोन में नेटवर्क बैंड लॉक का फीचर काम नहीं करेगा। तो सैमसंग टूलकिट और शिजुकु दोनों ऐप को आपको रखना है अपने फोन में। दोस्तों तो ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।